तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि वेरिएबल्स की जो हम जिस तरह से नाम देते हैं उसमें क्या क्या चीज़ों का हमें ख्याल रखना है। तो ये मैंने पाइथन का आइडल खोल लिया है, ठीक है। सो सबसे पहले दो चीज़ें हैं, इनपुट बॉक्स के ऊपर भी, इनपुट के ऊपर भी हम बात करेंगे किस तरह से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए नेमिंग रूल्स जो हैं वो हमें वी नीड टू रिमेम्बर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ, लेट्स से x इक्वल्स टू 80 और हम इसको प्रिंट करते हैं, लेट्स से x, ठीक है, इस तरीके से। सो अभी अगर इसे सेव करता हूँ मैं फाइल को, मैं पहले सेव कर चुका हूँ, ठीक है। सो इसको हम रन करते हैं। जब इस फाइल को रन करेंगे तो ऐसा सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखिए 80 आ गया। अगर आप अपने वेरिएबल में लेट्स से एक स्पेस दे देते हैं और आप कहते हैं लेट्स से मेरा वेरिएबल है x y फॉर एग्जांपल, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं और इसको हम रन करते हैं, तो आप देखेंगे इनवैलिड सिंटेक्स आएगा बिकॉज स्पेस इज नॉट अलाउड। ये इंपॉर्टेंट चीज है। इवन आप कहते हो आपका वेरिएबल लेट्स से x2 है, लेकिन आप जब इसको रन करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है। तो जो स्पेस है, यू कैन नॉट गिव अ स्पेस, यू कैन नॉट गिव अ स्पेस, ठीक है, बिटवीन योर वेरिएबल नेम, ठीक है। पहली चीज क्लियर होगी हमें, सो आगे बढ़ते हैं। सो मैं इसको हैश कर देता हूं और इसको हम नए सिरे से एक बार लिखते हैं। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरे पास मैं इसको x लिखता हूं और x के बाद मैं, या लेट्स से मैं अपना वेरिएबल बनाता हूं 3x और मैं 3x इक्वल्स टू लिखता हूं हेलो, ठीक है। और हम अब 3x को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। मैं सेव करता हूं और मैं इसे रन करता हूं। तब जब आप इसे रन करेंगे ये अगेन आपको बोलेगा इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों बोलेगा? बिकॉज यू कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, नंबर हम स्टार्ट पहले नहीं करेंगे, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसी को अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसे हैश करते हैं, अगर मैं इसी को x3 लिखता तो क्या ये एक्सेप्टेबल होता? बात करें एक बार, देखें जरा, मैं यहाँ पे इसको इस तरह से रन करने की कोशिश करता हूँ x3, फाइल को सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसे रन करेंगे ये देखिए हेलो प्रिंट हो गया। नंबर आप बाद में लेके आ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद इसको मैं हैश कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। लेट्स उसके बाद मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ प्रिंट नाम का और मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल अब मैंने लिखा है प्रिंट नाम का, रिमेम्बर प्रिंट हमारा कीवर्ड है, तो मैं प्रिंट को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं और इस कोड को रन करते हैं, ठीक है। ये देखिए टाइप एरर, str ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। आप कोई भी रिजर्व्ड वर्ड पाइथन का नहीं यूज कर सकते, ठीक है। जैसे मैं प्रिंट की जगह एक वर्ड यूज करता हूं डेफ, इस तरीके से, ठीक है, और मैं यहां पे डेफ लिखता हूं, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं इसको सेव करता हूं, मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूं, देखिए इनवैलिड सिंटेक्स। डेफ वर्ड हम जो है फंक्शंस में यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हम इसमें यूज करते हैं फॉर, ठीक है। तो मैं यहां पे फॉर लिख के इसको आगे सेव करता हूं और इसे रन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये देखिए इनवैलिड सिंटेक्स, ठीक है, क्योंकि फॉर हमारा लूप्स में पाइथन का एक रिजर्व्ड वर्ड है। हम करेंगे इस पे अब अभी कुछ ही दिनों में लूप स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसे फॉर टू कर देता हूं फॉर एग्जांपल, ठीक है, और अब मैं इसे सेव करके रन करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने उसी कमांड को रन किया और ये हेलो प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये अब हमने बेसिकली इसके साथ एक नंबर ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रूल्स हैं आपको याद रखने हैं। वी कैन नॉट यूज रिजर्व्ड वर्ड्स, ठीक है, इस तरीके से। और एक और चीज, इसको भी मैं हैश करता हूं, यहाँ पे प्रिंटिंग करवाएंगे हम कुछ भी। अगर लेट्स से मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहता हूँ, जैसे मैं कहना चाहता हूँ x star equals to 99, ठीक है,
और मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ एक स्टार इस तरीके से। ठीक, हम सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। ये भी आपका रन नहीं होगा, इनवैलिड सिंटैक्स, बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है। आप इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा के देख लें, क्वेश्चन मार्क भी ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, मैं फिर इसको रन करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अंडरस्कोर अगर मैं लगा के देखूं, अंडरस्कोर लगा सकता हूं मैं, अंडरस्कोर लगा के देखते हैं। ठीक है, अंडरस्कोर लगाते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और मैं इसको रन करता हूं, ये देखिए रन हो गया। ठीक है, अंडरस्कोर आप लगा सकते हैं, जैसे ऊपर हमारा था x स्पेस 2, आप कहते हो मुझे x2 चाहिए चाहिए, तो आप x2 इस तरह से यूज कर सकते हैं। स्पेस अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मुझे थोड़ा सा अलग दिखाना है उसे, तो स्पेस तो अलाउ नहीं होगा, लेकिन आप अंडरस्कोर जरूर लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाकी स्टार हो गया, कैरेट साइन हो गया, ओपन पेरेंथेसिस, क्लोज पेरेंथेसिस, डॉलर, हैश, आप ऐसा कुछ भी इसमें यूज करने की कोशिश करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा। अंडरस्कोर इज अलाउड। जैसे अभी अगर मैं इसके साथ बोलूं कि मुझे डॉलर लगाना है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर डॉलर, तो आप ये यूज नहीं कर पाएंगे। ये देखिए मैं इसको रन करता हूँ और ये आपका एरर आ गया। ठीक है, इस तरीके से। सो लास्ट चीज जो हमने सीखी वो ये कि नो स्पेशल कैरेक्टर इज अलाउड जब भी आप वेरिएबल्स के नाम देते हैं। अंडरस्कोर वी कैन यूज, ठीक है, अंडरस्कोर सिंबल वी कैन यूज इस तरीके से। ठीक है, सो ये थे हमारे रूल्स जो वेरिएबल्स में हमें काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी मैं एक नई फाइल बनाता हूँ और हम अपना इनपुट वाला फंक्शन जो है वो डिस्कस करते हैं, और उसमें काफी चीजें जो मैंने आपको पीछे कन्वर्जन वगैरह में बताई थी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो फिलहाल मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक हम नई फाइल ओपन करते हैं यहाँ से, न्यू फाइल, और इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको अगेन डॉक्यूमेंट्स में जाके जो हमने फोल्डर बनाया था पाइथन स्क्रिप्ट्स का, इसके अंदर जाके मैं इसको इनपुट डिटेल, ठीक है, इसके नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ओके, अब देखिए क्या है कि इनपुट हम किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे सपोज आप कहते हो कि आपको यूजर से कुछ इनपुट लेनी है, लेट्स से आप कहते हो कि एंटर योर ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है, सो इनपुट एंटर ईयर ऑफ बर्थ फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, अब इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, ये देखिए जब आप इसको रन करेंगे, ये यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपकी वो इनपुट ले रहा है। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा ईयर ऑफ बर्थ 1986, एंटर मारता हूँ, ये देखिए, तो ये इनपुट हम कहीं जाके यूज कर सकते हैं, समझे आप, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इनपुट हम कहीं जाके यूज कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा कोलन लिख देता हूँ इस तरह से, उस एक स्पेस देते हैं ये। अब इसको एक बार दोबारा से रन करते हैं। ठीक है, हाँ, तो दिस इज नाउ बेटर। सो आप यहाँ पे 2000 लेट्स से लिख देते हैं 2001। ठीक है, तो इनपुट लेके हम कभी भी किसी भी तरीके का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कैलकुलेशन, जैसे सपोज मैं आपको एक, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। अब ये तो सिंपल इनपुट था, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे कहता हूं कि इनपुट योर सैलरी, ठीक है, व्हाट इज योर सैलरी, एंटर योर सैलरी, एंटर योर सैलरी, ठीक है, इस तरह से कोलन डबल कोट्स में हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इनपुट एंटर योर इंसेंटिव, एंटर योर इंसेंटिव, कितना इंसेंटिव आपने कमाया है। ठीक है, ये चीजें हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम को जब रन करूंगा, मुझे इनपुट मांगी जा रही है, तो मैं यहां पे इनपुट सैलरी में, यहां पे इनपुट सैलरी में एंटर करता हूं, लेट्स से सैलरी 2000। ठीक है, जैसे ही आपने 2000 एंटर किया, आपसे पूछा जाएगा इंसेंटिव, लेट्स से मेरा इंसेंटिव है 100
रुपीज या डॉलर पर डे। आप चाहते हो कि टोटल यहाँ पे उसके बाद हम डिस्प्ले कर दें कि आपका टोटल जो इन हैंड बनता है वो इतना बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे इनपुट करवा रहे हैं, अगर अगर हमें इसे आगे यूज करना है तो इसको हम यूज तभी कर पाएंगे जब हम इसको कहीं स्टोर कर पाएंगे। तो उसके लिए हमारा वेरिएबल भाई किस दिन काम आएगा, है ना। तो हम वेरिएबल यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी का, लेट्स से सैल इक्वल्स टू, और इंसेंटिव का आईएनसी इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अब यूजर डालेगा वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगी। तो आज हम वेरिएबल्स का प्रैक्टिकल यूज करने जा रहे हैं। उसके बाद आपको आगे प्रिंट करवाना होगा, राइट, नहीं तो यूजर को कैसे पता लगेगा। या तो आप ये कर सकते हैं कि आप बोले टोटल इक्वल्स टू, पहले इस तरह से कर लें सैल प्लस आईएनसी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं क्योंकि हम नए नए हैं, उसके बाद प्रिंट करवा लेते हैं। तो जब आप प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट में आप क्या लिखेंगे, अच्छा आप लिख सकते हैं योर टोटल इन हैंड इज, ठीक है, ये क्या, उसके बाद कॉमा, याद है प्रिंट स्टेटमेंट, राइट, उसके बाद कॉमा में टोटल लगा देंगे इस तरीके से। प्रिंट कमांड की बात हम पहले कर चुके हैं बहुत बार, राइट, कॉमा में मेरा वेरिएबल यूज हो गया, ठीक है। मुझसे किसी ने पूछा भी था कि सर ये कॉमा लगा के आप आगे पैरामीटर देते रहते हो, इसका यूज कहाँ होता होगा, आज आपके सामने है। तो ये तो हमारा स्टैटिक हो गया योर टोटल इन हैंड, और उसके बाद ये हमारा वेरिएबल हो गया टोटल जो यहां से आएगा, ठीक है। सेव करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है, इंटरेस्टिंग, रन मॉड्यूल। आप में से काफी स्टूडेंट्स को लग रहा होगा ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, देखें लेट्स से 300 और 20 रुपीस का मेरा इंसेंटिव बना है आज का, ठीक है, डॉलर्स कहते हैं भाई, रुपीस क्यों कहना है। ये देखिए, अरे बाप रे क्या इन हैंड है बंदे का, है 30,020 हो गया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, क्या गड़बड़ हुई। ये इनपुट बॉक्स के थ्रू जब भी आप कोई चीज लेते हैं वो उसको टेक्स्ट कन्वर्ट कर देता है, तो जो नंबर है वो एज अ स्ट्रिंग यहाँ पे आ रहा है। अब मैं आपको बोलूं कि आप चेक करके बताओ, आप प्रूफ कैसे करोगे स्ट्रिंग है। हो सकता है आप इंटरव्यूअर को बोलो कि क्योंकि आंसर देखिए ना, बट वो यही तो पूछ रहा है आपसे, इंटरव्यूअर आपको यही कहेगा, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आया कैसे। तो आप कहोगे क्योंकि इनपुट बॉक्स स्ट्रिंग है, मुझे तो नहीं दिख रहा, कैसे मैं चेक करूं। फिर आप क्या कहोगे, फिर सोच में पड़ जाओगे, नहीं आपको मैंने क्या कराया था पास्ट में। आप उसको क्या बोलोगे कि ऐसा करते हैं प्रिंट कमांड जो है उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक है, टेस्टिंग कर लेते हैं सर। ओके टेस्टिंग कर लेते हैं, आ जाओ कर लो सर। हम यहाँ पे एक प्रिंट कमांड लगा देते हैं और इसका टाइप पता कर लेते हैं सेल का, जो टाइप सेल का होगा वही इंसेंटिव का होगा, तो एक एक जो होगा दूसरा भी वही होगा, तो हम इसका टाइप पता कर लेते हैं। टाइप तो हम पहले कर ही चुके हैं, राइट। अब इस मॉड्यूल को रन करते हैं, ठीक है। तो अब जब मॉड्यूल रन होगा तो यूजर ने अपना वही आंसर दिया 1000, एंटर मारा, इंसेंटिव दिया 20, ठीक है। बस जैसे ही आप उसे ये चीज दिखाओगे, देखिए स्ट्रिंग आपका डेटा टाइप आ रहा है, इमीडिएटली आप हायर्ड हो, मैं इंटरव्यू लूंगा, मैं तो कर लूंगा। ये फंडामेंटल्स है, ठीक है। तो इनपुट में बाय डिफॉल्ट आप नंबर भी डालोगे वो टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, आप सबने पीछे सारे वीडियोस देखे हैं, ईमानदारी की बात है, वापस नहीं जाना। मुझे बताओ अब हमें सैलरी तो ऐड करनी है और इनपुट बॉक्स के थ्रू ही करनी है, कैसे करेंगे। पॉज कर लो वीडियो, कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर मैंने सही जवाब दिया, और मैं शक नहीं करूंगा क्योंकि हम झूठ नहीं बोलेंगे, है ना, एजुकेशन का दरबार लगा हुआ है, ठीक है। सो मैं इसको करने जा रहा हूं। आप फिर भी अगर अभी सोच रहे हो तो हाथ जोड़ के आपसे बड़ी विनम्रता से रिक्वेस्ट है, पूरी सीरीज सीक्वेंस में देखें, ठीक है। आज एक स्टूडेंट का फोन आया था, वो कह रहा था कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो मेरे कुछ क्लासेस जो मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ वो लेक्चर्स देख रहा था, तो ही सेड कि समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने पूछा क्यों भाई क्या हो गया, तो वो साथ में पाइथन भी कर रहा है, वीबी भी कर रहा है, बीआई भी कर रहा है, ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हर चीज, ठीक है। और वीडियोस फास्ट फॉरवर्ड भी कर रहा है, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड के लिए थोड़ी होते हैं। अब हम लोग, मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आप पूरी चीजें देखें। कहाँ जाना है भाई, भाग के, पेशेंस पेशेंस रखो, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं बनना। फिर
फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एनीवेज ये हुआ सारा ज्ञान साइड पे, अब हम बात करते हैं मुद्दे की। अब मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, देखो भाई सिंपल सी बात है, हमने तो सीख लिया था कि अगर हमें पता लग गया इनपुट हमारा टेक्स्ट दे रहा है तो मैं उसको कन्वर्ट कर लेता हूँ इंटीजर में, ठीक है ना। इंट कन्वर्जन किस दिन काम आएगा, ठीक है, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में, ठीक है, इस तरीके से, क्या समझे। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा तो ये जो प्रिंट टाइप है मेरा, इसकी अब जरूरत नहीं है, ये तो हमें पता लग ही गया, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे टोटल इन हैंड, तो हमारा टोटल जो है वो एड होके आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो हम रन मॉड्यूल करते हैं और एंटर अपना सैलरी डालते हैं। सैलरी है जी 1000, इंसेंटिव है जी 20। फैंटास्टिक, योर टोटल इन हैंड इज 1020, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया प्रोग्राम, मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं। अगर मान के चलो आपकी सैलरी कुछ रुपए और पैसे भी लग के आती है, अब बंदा कहेगा भाई मेरे पैसे क्यों मार रहे हो, चाहे 50 पैसे की बात हो, क्यों है कि नहीं, सैलरी कैलकुलेटर पार्ट टू। तो हम इसको दोबारा से पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब लेट्स से बंदे ने कहा भाई मेरी सैलरी है 1000 रुपीज 50 पैसा, तो बकायदा हमें वो शो करनी है, राइट। ये सारा मैं हैश कर देता हूँ, ठीक है, इसकी हमें अब जरूरत नहीं, ये पार्ट हमने डन कर लिया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, सेव किया, F5 किया, तो मैं कहता हूँ जी मेरी सैलरी जो है वो है 2000 रुपए, लेट्स से 90 पैसे, ठीक है। इंसेंटिव कितना है, वेल इंसेंटिव है जी मे बी 100 रुपीज, ठीक है, आज का हम एंटर मारते हैं, ठीक है। जब आप एंटर मारोगे तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मुझे आंसर यहाँ पे कुछ नंबर में ऐड होके आएगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर, ठीक है। ये आपको पिछले लेक्चर से याद होगा कि मैंने यहाँ पे सैलरी जो है, पहली बात तो वो टेक्स्ट में आ रही है और ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया डेसिमल, तो मैं इसको डेसिमल को एज इट इज लेने के लिए इंटीजर यहाँ पे इस तरह से यूज नहीं कर सकता हूं। पुराना लेक्चर देख लेना, हम सबसे पहले इसमें यूज करेंगे फ्लोट, ठीक है, जो हम अपने डेसिमल्स के लिए यूज करते हैं। तो मैं दोनों को फ्लोट रख लेता हूं, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, ठीक है। अब सेव करते हैं और एक बार इस कोड को दोबारा से हिट करते हैं, ठीक है, रन मॉड्यूल। अब मैं फिर वही कैलकुलेशन करने जा रहा हूं, 2000 रुपीज 90 पैसा, ठीक है, और यहां पे 100 रुपीज लेट से मैंने एंटर मारा, आंसर आया कि नहीं आया, आंसर आया कि नहीं आया, गाइस टेल मी आंसर आया कि नहीं आया, कैसे आया, फ्लोट डेटा टाइप से आपने इसको डेसिमल्स में एब्जॉर्ब करवा लिया। अगर मेरी डेसिमल नंबर डेसिमल है, मैं उस डेसिमल को पहले डेसिमल है लेकिन एज अ स्ट्रिंग एंटर हुआ, उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो सबसे पहले इसको फ्लोट करेंगे, ठीक है। ये जब फ्लोट हो गया, अब बेशक इसके बाद मैं इसको राउंड अप कर लेता तो वो अलग बात है, जैसे मैं कहता हूँ नहीं यूजर जो भी एंटर करे हम उसको राउंड अप कर देंगे, 2000 रुपीज 90 पैसा को 2000 करेंगे, तो आप क्या करते, तो इसी लाइन को जो फ्लोट में आपकी कन्वर्ट हुई है, फ्लोट के ऊपर हम इंटीजर तो लगा सकते थे, क्योंकि फ्लोट आने से डेटा टाइप उसका डेसिमल हो गया है, फ्लोट हो गया है स्ट्रिंग से, तो मैं ये कहता कि आप इसको इंट कर दो, अब ठीक है, इस पे इंट लगा सकते हैं हम, ठीक है, इस पे इंट लगा सकते हैं। समझ आया कि नहीं आया, नहीं आया पुराना वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, सीरियस लर्नर बनना पड़ेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ 100 रुपीज 50 पैसा या 53 पैसा, उसके बाद मैं डालता हूँ 10, मैं एंटर मारता हूँ, आंसर आया कि नहीं आया, टेल मी, सिचुएशन जैसी मर्जी हो, हमें जो चाहिए हम वो निकाल सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब राउंड नंबर आया कि नहीं आया, राइट, क्यों आया राउंड नंबर, बिकॉज पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया, फ्लोट को फिर इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो भी इनपुट आप यहाँ पे डालते हैं अगर वो डायरेक्ट एक होल नंबर है तो इंट चल जाएगा, जैसे ऊपर चला था आपने देखा था, लेकिन आप डेसिमल नंबर डाल रहे हो बट क्योंकि इनपुट बॉक्स के थ्रू आ रहा है तो उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, तो उस पर डायरेक्ट हम इंट नहीं लगा सकते, ये मैंने आपको बातें पहले डिटेल में बताई हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीजें जो है बहुत इजीली हैंडल कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट एक और चीज करते हैं और फिर चलते हैं,
लेट्स से एज फाइंडर एक ऐसे निकालते हैं, ठीक है। सो मैं कहता हूं कि x इक्वल्स टू एंटर योर इनपुट, एंटर योर एज। एक छोटा सा मजाक कोड बनाएंगे, शुरू में मजाक में ही बनेंगे, क्यों, छोटे छोटे इनसे क्लियर करेंगे ना चीजें, फिर तभी जाके आप बड़े कोड्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो एंटर योर एज, आप कहते हो एज एंटर इज 18, आप चाहते हो आफ्टर 10 इयर्स क्या एज होगी, आप ये चाहते हो, ठीक है। सो हम उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें सीधा लिख सकते हैं प्रिंट कमांड, ठीक है, प्रिंट कमांड, उसके बाद योर एज आफ्टर 10 इयर्स विल बी, ठीक है ना, इस तरह से कॉमा एक्स प्लस 10। मेरा क्वेश्चन है आपसे सभी से, ये कोड अगर रन होगा, इसको कमेंट करते हैं, ये कोड अगर रन होगा तो क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा। अगर जवाब सही है तो कमेंट में लिखना है, जवाब सही नहीं है तो भी लिखना है कि सर मैं नहीं कर पाया और मुझे पता लग गया मैंने क्या गलती की है, कमेंट्स में डालना है, ठीक है। योर एज आफ्टर 10 इयर्स विल बी एक्स प्लस 10, ये नहीं चलेगा, मैं जानता हूं, आप भी जानते ही होंगे क्यों। चलो पहले रन करते हैं, ये देखो रन किया, एंटर योर एज, एज है हमारा 18, स्वीट 18। ये देखो कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग, ये कंकैटिनेट बोल रहा है, कह रहा है कि मैं इसको स्ट्रिंग डेटा टाइप को सिर्फ कंकैटिनेट कर सकता हूं, पर हम तो कंकैटिनेट कर ही नहीं रहे, हम तो ऐड कर रहे हैं, प्लस स्ट्रिंग के केस में कंकैटिनेट हो जाता है, हमने इस पे पहले बात कर चुकी है वेरिएबल सीरीज में। अब आपको पता है यहां जो भी चीज आएगी वो स्ट्रिंग ही होगी, तो आप क्या करोगे, कुछ भी ऐड करने से पहले उसको इंटीजर ले लोगे, ठीक है ना, क्योंकि होल नंबर ये हमारा होगा एज, तो इस तरीके से हम इसको इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। इंटीजर लेने के बाद अब हम इसको जब रन करेंगे तो ये रन होना चाहिए, ठीक है। सो दोबारा से हम अपना एज टाइप करते हैं 18, एंटर मारते हैं, वो फैंटास्टिक 28 चल पड़ा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मान के चलो आपके पास एक सिनेरियो आ गया, आपको ये बोल दिया गया, यूजर कहता है, या आप कहते हो कि कई बार हो सकता है यूजर गलती से हमें डेसिमल में कोई नंबर देते, एज जैसे वो बोलता है 18.5 साल 18.5 बोल दे, तो 18.5 का क्या इलाज है, मतलब आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। लेट्स से हम ये चाहते हैं कि 18.5 को 18 ही लिया जाए, ठीक है। सो यहाँ पे अब जब आप इंटीजर चलाओगे, और मैं यहाँ पे अगर अब डेसिमल रन कर देता हूँ, ये देखिए हम इसको रन करते हैं, अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा कि भाई मेरी एज है 18 years and 3 months फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो जब ये रन होगा तो ये दोबारा से वही प्रॉब्लम हो जाएगा, इनवैलिड लिटल फॉर इंटीजर। सो हमको इसको सबसे पहले फ्लोट में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। फ्लोट में कन्वर्ट करने के बाद यहीं पे दोबारा से आप इसको अगली लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है, इसी में फिर हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज ये पहले स्ट्रिंग में आ रहा है। अब इस कोड को जब हम रन करेंगे, अब यूजर 18.3 अगर डालता है तो हम इसमें चेक करते हैं 18.3, ये देखिए फैंटास्टिक। इस तरीके से आप ये चीजों का ध्यान रख सकते हो। तो मैंने जो लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसमें मुझे आप लोगों ने बड़े कम क्लिक्स दिए हैं और कमेंट्स में आप कुछ लिख नहीं रहे हो, इससे पुराना ही वीडियो है, वो मैंने ऐसे नहीं अपलोड किया था इस, ठीक है। सीरियस लर्निंग के लिए वो फंडामेंटल सीखना जरूरी है। उम्मीद है आप बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेशन लेंगे, बिकॉज ये मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोग इसमें आपको सीरीज पसंद नहीं आ रही है तो आप बता सकते हैं, हम लोग सीरीज बंद कर देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बहुत कुछ सीखा आज हमने, पुराना सारा हमारा वेरिएबल्स वगैरह रिवाइज हुआ, वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स किस तरह से इंपॉर्टेंट है, कन्वर्ट कब कहाँ क्या करना है, इनपुट बॉक्स के बारे में बहुत अच्छी चीजें पता लगी, और यहाँ से आपने देखा होगा छोटे छोटे प्रोग्राम्स भी बनाने हमने सीखे हैं, इनको रियल टाइम में बस कन्वर्ट करने की जरूरत है, ठीक है, वो हम बहुत जल्दी करने वाले हैं। चलिए चैनल से जुड़े रहिए, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी, थैंक यू सो मच।